मैं माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म एवं दिव्य संरक्षण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस पंचम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ, हम लोगों के मध्य उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे करिमामय व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पॉल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अनेकों के प्रेरणा स्रोत, भारत के गौरव का प्रतीक श्री कैलाश सत्यार्थी जी, हम सब के जीवन में प्रकाश पुंज के रूप में विद्यमान श्रद्धेय कुलाधिपति जी, प्रेम करुणा वात्सल्य की साकार प्रतिमा श्रद्धेया जी जी, आदरणीय गौरीशंकर मामा जी, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ, ब्रह्मवर्च शोध संस्थान के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और मित्रों, आज इस वैशाख कृष्ण चतुर्थी के पावन अवसर पर हिमालय की पृष्ठभूमि से उदित हो रहे भगवान सूर्य की ये जो किरणें हैं, हम सबके जीवन पर जिस सौभाग्य की वर्षा कर रही हैं, उसी सौभाग्य का दूसरा नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। और इन सौभाग्य के क्षणों में अपने अपनों को अपने बीच पाकर, वो सारे विद्यार्थी जो कभी इस प्रांगण का हिस्सा हुआ करते थे, उनको दोबारा अपने बीच देखकर जैसी खुशी हमें है, वैसी शायद उस माँ को होती होगी जिसके बच्चे उससे आ मिल बैठते हैं। तो इन सौभाग्य के क्षणों में, इन पुनर्मिलन के क्षणों में, एक अद्भुत विश्वविद्यालय, एक अद्वितीय विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके कण कण पर एक गौरवशाली परंपरा के हस्ताक्षर हैं, जिसकी सांसों में भारतीय संस्कृति बसती है, जिसके प्राणों में उदीमान भारत निखरता है, एक ऐसे अनूठे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करते हुए हमें उसी गौरव की अनुभूति हो रही है जिसके प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी रहे और जिसके व्यापक फलक पर हम सभी शूद्र से प्रतिनिधि हैं। पूर्ण विश्वास है मुझे कि उस गौरव की अनुभूति यहां बैठे हर एक शख्स को उसी शिद्दत के साथ हो रही होगी। और उस गौरवशाली परंपरा का प्रतिनिधि, संस्कृति दूत होने के नाते आप लोग परिचित होंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कोई शुरुआत मात्र इसलिए नहीं की जाती क्योंकि सारी दुनिया उसे करती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दीक्षा के अंत की घोषणा आप लोगों के एक नए आयाम में प्रवेश की घोषणा है और इसीलिए यहां दीक्षांत समारोह का दूसरा नाम समावर्तन समारोह है। समावर्तन का उद्देश्य, समावर्तन का अर्थ, आप लोगों को उस आयाम, उस वातावरण, उस परिवेश, उस आवृत्ति से परिचित कराना है जो इस शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की दिव्य परिधि के बाहर स्थित है, जहां मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं के लिए, छोटी छोटी शिकायतों के लिए, छोटी छोटी मुसीबतों के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए अपने आप से जूझता हुआ नजर आता है। दुनिया के सारे धर्म, शास्त्र, अवतार मिलकर मनुष्य के जीवन को भगवान के खजाने का सबसे बेहतर तोहफा बताते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य सारे प्राणियों में श्रेष्ठ है, देवी गुणों का अधिकारी है। उस गौरव को, उस गरिमा को भूलकर मानवता के रूप में न जाने क्यों भटके भटके से नजर आते हैं। अपने आप से, अपने अंतर्मन में, अपनी गहराई में उतर करके पूछें, मन में शांति नहीं, दिल में सुकून नहीं, चिंतन में स्पष्टता नहीं है, व्यक्तित्व में संतुलन नहीं है, जीवन में दिशा नहीं है, परिवारों में प्रेम नहीं है, समाज में सहिष्णुता नहीं है, हृदय से भावनाएं विदा हो गई हैं दोस्तों, धर्म से धारणाएं विदा हो गई हैं, अध्यात्म से आस्थाएं विदा हो गई, न्याय, नीति, सदाचार लुप्त होते नजर आते हैं और उनका स्थान कृपणता ने, निकृष्टता ने, लोलुपता ने, स्वार्थ ने, अहंकार ने, छल ने, छद्म ने, कपट ने ले लिया है। मानवता बड़े गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है और इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का मुंह देखें तो इसका समाधान उनके पास नहीं, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसका समाधान उनके पास नहीं। पुलिस का काम देश की सुरक्षा को तय करना है, सरकार का काम देश की न्याय व्यवस्था को, विधि व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है। और ये जो समस्याएं हैं, इनकी जड़ें हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे दृष्टिकोण में, और वहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, वहां पर प्रशासन की कोई पहुंच नहीं। सद्विचार कोई TDS का टैक्स नहीं है कि हम लोग 25,000 रुपए अपने ATM में डालें और कल 5% की रेट से हमको सद्भाव सप्लाई होना शुरू हो जाए। नियम बनाकर हम लोग अपराधी को अपराध की सजा दिला सकते हैं पर उसके मन में सद्भाव पैदा नहीं कर सकते। नियम बनाकर हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं परंतु उसके मन में ब्रह्मचर्य पैदा नहीं कर सकते। नियम बनाकर
हम संस्कृति का विभाग और मंत्रालय खोल सकते हैं, परंतु उनके मन में संस्कृति की भावना को पैदा नहीं कर सकते। संस्कृति की भावना को पैदा करने के लिए समाज को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, उस संस्कृति की भावना को पैदा करने के लिए, और उस संस्कृति की भावना को जन जन तक ले जाने के लिए, उस सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के उद्घोष को जन जन तक परिचित कराने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि इस विश्वविद्यालय से निकला एक एक विद्यार्थी किन किन महान गुणों का स्वामी है, उस उद्घोषणा के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय का समावर्तन समारोह। समावर्तन समारोह आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप लोग एक साधारण विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं थे, आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा थे जहां आपको जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों सिखाए जाते थे। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा थे जहां आपको कृष्ण का योग, पातंजलि के सूत्र और आइंस्टाइन का विज्ञान तीनों सिखाए जाते थे। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा थे जहां आपको यह सिखाया जाता था कि जीवन को शानदार कैसे बनाया जाता है, सोच को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, व्यक्तित्व को उदात्त कैसे बनाया जाता है, चरित्र को प्रामाणिक कैसे बनाया जाता है, उद्देश्यों में उच्चता कैसे लाई जाती है, भावनाओं में गहराई कैसे लाई जाती है, दिल में समाज के लिए दर्द कैसे लाया जाता है, कलेजे में राष्ट्र के लिए प्रेम कैसे लाया जाता है। और आज का दिन दोस्तों उसी सहकारिता के भावों को, सद्भावना के भावों को, राष्ट्रीयता के भावों को, मानवता के भावों को फिर से जी लेने का अवसर है। जो आपने यहाँ पर सीखा, जिन शिक्षाओं को, जिन मूल्यों को, जिन परंपराओं को, जिन आदर्शों को आपने ग्रहण किया, उनको एक बार फिर से जी लेने का अवसर है समावर्तन का समारोह। आप लोग यहाँ पर मात्र डिग्रियां लेने के लिए नहीं आए थे, आप अपना पढ़ा सब भूल भी जाइए, पर यदि आपको सच्चे और अच्छे इंसान बना रहना याद रहा तो आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान बन जाते हैं। आप अपना पढ़ा सब भूल भी जाइए, पर यदि आपको दुखियों के आंसू पहुंचना और भटके को राह दिखाना याद रहा तो आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान बन जाते हैं। आप अपना पढ़ा सब भूल जाइए, पर यदि आपको वसुधैव कुटुंबकम का भाव और अपनी भावनाओं को बांटना याद रहा तो आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान बन जाते हैं। और आप अपना सब पढ़ा भूल जाइए, पर यदि आपको अपने जीवन रक्षक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी याद रहे, अपने माता पिता के रूप में श्रद्धेय डाक साहब, श्रद्धेय जीजी याद रहे, तो आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान बन जाते हैं। और आज सारा का सारा विश्व आपकी ओर, भारत की ओर, भारतीय संस्कृति की ओर, इस विश्वविद्यालय की ओर इसी आशा, इसी अपेक्षा के साथ देख रहा है दोस्तों कि यहाँ से निकले हुए व्यक्तित्व ही इस भटके हुए समाज को दिशा दिखा सकते हैं। तो आज के दिन आपसे हम एक ही पृष्ठभूमि याद रखने को कहेंगे दोस्तों कि आप यहाँ से जाइए मात्र डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेकर के मत जाइए, बल्कि यहाँ से जाने के बाद आप एक व्यक्तित्व को लेकर के जाइए। भगवान करे कि यहाँ से निकलने के बाद आपका जीवन प्रकाश स्तंभों की तरह हो जाए, लाइट हाउसेस की तरह हो जाए, जो भटके हुए राहियों को दिशा दिखा सके। आपका जीवन साहसी दीपों की तरह हो जाए, जलती मशालों की तरह हो जाए, जो घटाटोप अंधियारे से लड़ने का साहस रखते हो। आपका जीवन नाव के मस्तूलों की तरह हो जाए, जो तूफानों को चीरने का दम रखते हो। आपका जीवन नींव के पत्थरों की तरह हो जाए, जो अपने कंधों पर इमारतों को उठाने का जज्बा रखते हो। तो भगवान करे परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का आशीष आप पर हो, श्रद्धेय डाक साहब का, श्रद्धेय जी जी का अनुग्रह आप पर हो, यहाँ के सारे गुरुओं का आशीष आपको मिले। यहाँ से निकलने के बाद आप व्यक्तित्व को लेकर के लौटें, और ऐसा व्यक्तित्व लेकर के लौटें जिस पर आपको नाज हो, आपके माता पिता को नाज हो, आपके गुरुओं को नाज हो, इस राष्ट्र को, समाज को, इस विश्वविद्यालय को नाज हो, और कल को जब हम आपको शिखर पर बैठा हुआ देखें तो गर्व के साथ कह सकें कि वो विद्यार्थी जो वहाँ पर बैठा है वो इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान रहा है। तो यदि आप इस कसक को, तड़प को, संकल्प को लेकर यहाँ से विदा होते हैं तो आप इस दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि को लेकर यहाँ से विदा होते हैं। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही मंगल कामना है।